इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के वलों तो कमाल ही कर दी गई है। 10 महीने की मेहनत हूँ इन्हों की रंग लेके आई है, जिस दे विच इन्हां ने पहली बार इलैक्ट्रिक विंटेज कार का निर्माण किया। बड़ी मेहनत की गई है पूरे स्टाफ के वलों, तो 6 विद्यार्थियों की मेहनत रंग लेके आई है। जगराओं सिटी यूनिवर्सिटी के रोबोटिक्स आटोमेशन विभाग ने अपनी इनोवेटिव विंटेज इलैक्ट्रिक कार ईवो क्लासिक लॉन्च की है। प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक इलैक्ट्रिक वाहनों की टेक्नोलॉजी के नाल क्लासिक आटोमेटिव डिजाइन की सुंदरता को जोड़ता है। लगभग 2.5 लाख रुपए के बजट के नाल इस प्रोजेक्ट को पूरा करन दे विच 10 महीनों तो वध दा समां लग्या, जो कि इनोवेशन विभाग के समर्पण का प्रमाण है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत खोज अते विकास इंजीनियर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने की सी। इंद्रजीत सिंह ने यह उपलब्धि सत्यम गुप्ता अते गुरकीर्त सिंह मान विभाग के तकनीकी स्टाफ अते इंजीनियर के विद्यार्थियों के अणमुले सहयोग नाल हासिल की है। टीम ने परंपरिक संकल्पां दे आधार ते इनोवेशन की बेअंत संभावना का प्रदर्शन करते हुए पूरी तरह कार्यशील इलैक्ट्रिक वाहन विच रेट्रो डिजाइन तत्तां नूं शामिल किया। चांसलर डॉक्टर मनबीर सिंह ने इस मौके ते कहा कि ईवो क्लासिक ना सिर्फ एक तकनीकी चमत्कार है, सगो इतिहास अते भविख दे विचकार एक पुल दा काम करदी है, जो इलैक्ट्रिक वाहनां दी बहुपक्खीता नूं दर्शाउंदा है। उद्घाटन मौके वाइस चांसलर डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी दे नाल होर भी अध्यापक मौजूद सन। नाम मेरा गुरकीर्त सिंह है और साडी पूरी टीम डॉक्टर इंद्रजीत सिंह एंड प्रोजेक्ट डिवेलपर सत्यम गुप्ता सारी टीम ने वर्क शुरू किया। तो ये नाम गाड़ी का सी इलैक्ट्रिक व्हीकल है, इलैक्ट्रिक ये नाम असी डिसाइड किया ईवो बाइक व्हीकल, ईवो क्लासिक व्हीकल। इन सर हाले तक प्लैनिंग जनवरी तो स्टार्ट किया, तकरीबन 10 मंथ तो लग ही गए ने। तो जे यदि कॉस्टली कॉस्ट की गल करिए हूँ तक ये 2.5 लाख रुपया लग चुका है जी। हाँ जी, स्टूडेंट सर इन देख के एक बखरी तरह दे, एक पुरानी विंटेज कार बनाई असी इलैक्ट्रिक व्हीकल, मतलब स्टूडेंट इनू देख के इंस्पायर हो रहे ने, देख के उन्होंने चा पैदा हो रहा भी असी और भी असी टीम ना इन्हें मकैनिकल टीम ना रोबोटिक्स टीम के नाल मिल के असी होर भी इदा के प्रोजेक्ट इन्हों की टीम का हिस्सा बनीए, इन्हों मिल के असी होर अगे दी अगे कोई नवे प्रोजेक्ट बनाईए। बच्चे इनू देख के बहुत इंट्रस्ट लै रहे हैं तो साढ़े नाल बच्चे जुड़ भी रहे हैं। मैं कहीं बाहर था तो मैंने देखा कि विंटेज कार्स का बहुत ट्रेंड चल पड़ा, एकदम लोगों को बहुत अपनी जो पुरानी कार्स होती हैं महंगी महंगी उनको शो ऑफ करना, उनको देखना। तो मैंने फिर स्टूडेंट से बात की, ये मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि हम एक विंटेज कार बनाते हैं बट मॉडर्न टच उनको देते हैं। मॉडर्न टच मीन्स आजकल ईवी का टाइम चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो हमने ईवी और विंटेज कार्स को कंबाइन किया। ये 10 महीने लगे बच्चों को बनाते समय, फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग सिटी यूनिवर्सिटी के बच्चे थे उन्होंने ये कंपाइल किया सारा प्रोजेक्ट, और 2.5 से 3 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है जी। हमने इसका नाम ईवो क्लासिक रखा है, ईवी एंड क्लासिक कार, सो दैट्स व्हाई वी गॉट दिस नेम ऑफ ईवो क्लासिक विंटेज कार। और बहुत मेहनत लगी बच्चों की, क्योंकि एक विंटेज कार में इलेक्ट्रिक एक बैटरी डालना एक अपने आप में टास्क था, तो सीखने को बहुत कुछ मिला। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ सिटी यूनिवर्सिटी हु हैव कम अप विद अ ब्रिलियंट आइडिया। सर कितने स्टूडेंट्स का इसमें एफर्ट्स रहा और सिटी यूनिवर्सिटी की इन्वेस्टमेंट क्या रही इसमें? जी सर, टोटल 5 to 6 देवर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेम्बर्स, और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमने फंड किया सिटी यूनिवर्सिटी ने 2.5 लाख, जैसे मैंने बताया। स्टूडेंट्स मोटिव आते कि स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग के मैकेनिकल के इलेक्ट्रिकल के ये कुछ सीखें, हाथ से जब काम करते हैं हम, जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो देखा जाता है इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि बच्चों का प्रैक्टिकल नहीं आता है, तो एक एक कॉम्पोनेंट्स कैसे इलेक्ट्रिक कौन सी लिथियम बैटरी लगनी है, कैसे वो बैटरी की कनेक्शंस होने हैं, ये छोटे छोटे ये जो प्रॉब्लम्स वो इसमें सीखे हैं वो खुद उन्होंने गाड़ी बनाई है। कोई मैकेनिकल बाहर का इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली सिर्फ फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स ऑफ सिटी यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व हैं, और एक मार्वलस पीस हमने बन के आया है। और जब ये मार्केट में जाता है लोग वीडियोस बनाते हैं इसकी, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के वो भी बहुत एंथुजियास्टिक है कि हम भी कुछ नया प्रोजेक्ट बनाएं। और ये कैंपस के अंदर रह के, क्योंकि बड़ा कैंपस है तो टू एंड फ्रो जो लोग आया करेंगे, हम बिल्कुल ये कैंपस के अंदर बिल्कुल इलेक्ट्रिक चलते हैं, बाकी भी गोल्फ कार चल रही हैं वो भी बच्चों ने बनाई हैं, सो ये बिल्कुल एक एनवायरनमेंट फ्री कैंपस है जी।
सर स्किल के कामों को लेके आगे भी सिटी यूनिवर्सिटी पहले भी अच्छे काम करती रही है और ये भी एक तरह से स्टूडेंट्स को स्किल का काम ही सिखाया गया है। आगे भी ऐसे कोई प्रोजेक्ट और भी रेडी रखे हैं आपने? जी 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 बहुत प्रोजेक्ट्स हैं जी, बिकॉज ये एक ब्रेकिंग ऑफ द आइस था। अब देर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो AI से रिलेटेड हैं, गेमिंग से रिलेटेड है, क्योंकि मल्टीमीडिया बहुत फास्ट आगे आ रहा है। ऐसे प्रोजेक्ट जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है और हम हर कोर्स को अपने इंडस्ट्री के साथ टाइप करें, कोई कोर्स भी सिटी यूनिवर्सिटी में बिना इंडस्ट्रियल टाइप के नहीं है। और अब इस साल से हमने क्या किया है, एवरी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होटल मैनेजमेंट विल हैव टू कम अप विद एन एंटरप्रेन्योरियल आइडिया। बच्चों को कुछ ना कुछ बना के उसको बेचना है, ताकि चाहे वो मैनेजमेंट का आइडिया हो, चाहे वो कैफ़े हो, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, उससे वो पैसा जो अर्न करेंगे वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इससे वो एंटरप्रेन्योरियल जो बिजनेस स्किल्स भी हैं, क्योंकि सबको जॉब नहीं चाहिए, बिजनेस भी करना है। और स्पेशली जहाँ पे लुधियाना से बहुत बच्चा है, लुधियाना इज़ अ इंडस्ट्रियल हब ऑफ इंडिया, तो ऐसे बच्चों को बहुत मौके मिलेंगे एंटरप्रेन्योरियल के भी और अपना बिजनेस सेटअप करने के।